हेलो झारखंड एलीजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 नवंबर 2023 और आज के न्यूज़पेपर से जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स बनेंगे झारखंड से, साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल सबको स्टैटिक बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो का ड्यूरेशन लगभग 30 मिनट का रहेगा और 30 मिनट में मैं आपको इतना सारा चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा कि अंत तक जाते जाते आपका आत्मा तृप्त हो जाएगा। तो एंड तक बने रहिएगा और क्लास को ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड से एक न्यूज निकल कर आ रहा है कि उत्तराखंड में बहु विवाह पर रोक लगेगा। क्यों भाई, क्यों रोक लगेगा? तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में पूरा बात कर लेते हैं, तब हमें जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो संविधान का आप लोग पार्ट फोर में जाइएगा, तो पार्ट फोर में जो है से आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है से मेंशन है, और इसका प्रोविजन हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो यहाँ पे एक अनुच्छेद है आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 जो है से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है। तो अभी उत्तराखंड में जो है से समान नागरिक संहिता को लागू करने की कवायद शुरू किया जा चुका है। ये उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, तो इनको याद रख सकते हैं। तो उत्तराखंड अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देता है तो यह स्वतंत्रता के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य होगा। याद देखिएगा, यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है स्वतंत्रता के बाद, तो क्या पहले भी है? तो जी हाँ, एक ऐसा स्टेट है गोवा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू है, आजादी से पहले, ठीक है। तो गोवा को याद रखिएगा, बाकी आजादी के बाद अगर लागू हो जाता है उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड तो यह भारत का पहला राज्य होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू हो जाएगा तो बहु विवाह पर, यानी कि जो मल्टीपल मैरिज होता है उस पर रोक लगेगा। लिव इन जो रिलेशनशिप होता है उसका कानून है उसको सख्त किया जाएगा। संपत्ति का अधिकार है, किसी को गोद लेना है, किसी का विवाह है, डाइवोर्स है, तो ये सब का जो है से कानून का नियम जो होगा सबके लिए समान होगा। तो ये कुछ जो है से यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोविजन काम करता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी याद रखिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है से पूछा जा चुका है, डीपीएसपी का यह पार्ट है और आयरन के सिद्धांत से हम लोग डीपीएसपी लिए हैं, तो पूरा मैटर आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। बाकी ए वाला आर्टिकल मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, डिटेल में आप लोग स्टडी कर सकते हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी अभी 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था, बात करेंगे आगे। तो झारखंड कितने मेडल जीता टोटल हम लोग बात करेंगे। फॉर द टाइमिंग आप लोग बता सकते हैं कि जो प्लेयर हैं वह जो है से कौन है, नाम इनका क्या है और ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, बताइए जरा इनका नाम। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो पर फीडबैक अपना जरूर। आज 15 नवंबर है और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जयंती सेलिब्रेट किया जाता है। और झारखंड में देखिए, इनको भगवान का दर्जा प्राप्त है, मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे और ये जो है से धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, धरती आबा बिरसा मुंडा जी को कहा जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को उलीहातू गांव में, जो कि वर्तमान में खूंटी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी 9 जून 1900 को ये जो है से बोला जाता है कि हैजा से जो है से ये मृत्यु इनका हो गया था, बट बोला जाता है कि जो है से जहर दे दिया गया था, तो रीजन क्लियर नहीं है इनका डेथ का, ये बात ध्यान रखिएगा। और देखिएगा, जो 2021 से जो इनका जन्म दिवस है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2021 में जो है से पहली बार जो है से जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। और 2023 में जो है से तीसरा जो है से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और ये तो आपको पता होगा, जो इनका जन्म दिवस है 15 नवंबर, उसी डेट को चुना गया था झारखंड स्थापना दिवस के रूप में। तो 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस भी है। 28वां राज्य बना था 2000 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो 2000 ईस्वी में 28वां राज्य बना, 29वां राज्य बाद में तेलंगाना बना था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को जो है से हटाया गया, तब जो है से फिर से जो है से 28 ही राज्य रह गए, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये भारत 28वां राज्य है, 29वां था तेलंगाना। बाकी देखिए, झारखंड जिस समय अलग हुआ उस समय कैसे कैसे क्या हुआ था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। तो जो बिहार राज्य पुनर्गठन जो था विधेयक था, उसका धारा 3 यानी कि सेक्शन 3 बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम आप लोग बोल सकते हैं, उसका सेक्शन 3 के तहत जो है से झारखंड राज्य की स्थापना किया गया था। और इस पर जो है से 2 अगस्त को जो है से इसको लोकसभा में पारित किया गया था, 11 अगस्त को जो है इसको राज्यसभा में पारित किया गया था, और 25 अगस्त को जो है से राष्ट्रपति के आर नारायण के द्वारा जो है इस पर मुहर लगाया गया था। और बाद में हम लोग 15 नवंबर डेट चुने थे कि झारखंड को स्थापित किया जाएगा। तो ये सब कुछ प्रोविजन याद रखिएगा। लगभग 46% जो है हम लोग जमीन लेकर जो है बिहार से अलग हुए हैं। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था रावड़ी देवी, और बिहार के राज्यपाल थे उस समय वीसी पांडे, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। तो बाकी चीज देख लीजिएगा, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। बाकी बिरसा जो मुंडा विद्रोह हुआ था 1895 में शुरू हुआ था, लगभग चला था 1899 तक।
चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा झारखंड स्टेट को आप दिखाने वाला हूँ। तो इसको देखिए, पहले ना दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता था, ठीक है, तो इसको दक्षिणी बिहार भी बोल सकते हैं आप लोग झारखंड को। इसको देख लीजिएगा, झारखंड है तो इसका सीमा किसके साथ लगता है, तो इधर बिहार हो गया, उधर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ हमारा एकमात्र डिस्ट्रिक्ट लगता है जिसका नाम है खड़वा, उसके बाद छत्तीसगढ़ देख लीजिएगा, उसके बाद इधर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो झारखंड को जो है से कुल जो है से 5 राज्य टच करते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। एक भी इंटरनेशनल बॉर्डर झारखंड का किसी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है झारखंड का, ये बात ध्यान रखिएगा। अब डिस्कस करता हूँ एमसीक्यू फॉर्मेट का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड मिल्क फेडरेशन की ओर से राज्य के पशुपालकों को कितने रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, 2 रुपया प्रति लीटर, 3 रुपया प्रति लीटर, 4 रुपया प्रति लीटर या फिर 5 रुपया प्रति लीटर। आंसर इसका है बी, 3 रुपया प्रति लीटर जो है से प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। देखिए एक पूरा मैटर क्या है आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले राज्य के जो पशुपालक हैं या फिर गोपालक हैं उनको प्रोत्साहन राशि क्यों दिया जा रहा है। तो जब प्रोत्साहन राशि इन लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा तो अधिक से अधिक लोग जो है ऐसे पशुओं का पालन करेंगे, तो इससे हमारा जो मिल्क बैंक है वो बढ़ेगा, यानी कि एक तरह से इनडायरेक्ट वे में बोल सकते हैं कि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो है राज्य सरकार प्रत्येक लीटर पर 3 रुपया प्रोत्साहन राशि देती है। पहले जो था से 1 लीटर 1 रुपया था प्रति लीटर, फिर इसको बढ़ाकर 2 रुपया किया गया और अब 3 रुपया किया गया, क्योंकि 1 रुपया जब किया गया था तो थोड़ा सा मिल्क बैंक बढ़ा था, उसके बाद 2 रुपया किया गया तो और बढ़ा, 3 रुपया किया गया तो और ज्यादा बढ़ गया। अभी बात करूंगा कि कुल जो है से कितना जो है से मिल्क बैंक हमारा बढ़ चुका है। तो 3 रुपया प्रति लीटर जो है से झारखंड मिल्क फेडरेशन के द्वारा जो है से राज्य के पशुपालकों को इतना प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो ये आंसर हो गया। 48,000 देखिएगा पशुपालक हैं जिनसे जो है से 2.20 यानी कि 2.2 लाख लीटर जो है से दूध जो है से प्रतिदिन जो है से एकत्र किया जा रहा है, इतना लीटर दूध, ठीक है। तो 3 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया गया था, तो उसके बाद जो है से काफ़ी ज़्यादा जो है से बोल सकते हैं कि मिल्क बैंक में बढ़ोतरी नजर आया था। बाकी यहाँ पे एक और न्यूज़ में आ रहा था कि मुख्यमंत्री जो पशुधन योजना है उसके तहत अगर आपको गाय लेना होगा तो 90% जो है से राज्य सरकार आपको अनुदान देती है, ये बात ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत। बाकी कुछ यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन जो है से डाला हुआ है। विश्व में देखिएगा तो दूध का जो है से सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह जो है से भारत है। लगभग जो वैश्विक उत्पादन है उसका 22% दूध का उत्पादन अकेले भारत करता है। भारत में कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा जो दूध उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राजस्थान को टिक लगाइएगा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन में वर्तमान में नंबर वन नहीं है, नंबर वन पे राजस्थान है। राष्ट्रीय दूध दिवस जो है से 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो आगे डिस्कस करूंगा फिर से जब 26 नवंबर आएगा। तो ये वर्गीज कुरियन का जो है से जन्मदिवस है। वर्गीज कुरियन को भारत में जो है से फ्लड ऑपरेशन का जो एक तरह से बोल सकते हैं कि जन्मदाता बोला जाता है। और भारत में देखिएगा तो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है, स्टडी डोज में याद रखिएगा, ये जो भारत में प्रतिदिन जो दूध उपलब्धता है प्रति व्यक्ति के लिए वह 444 ग्राम प्रतिदिन है, 2021-22 का यह डेटा कहता है, ठीक है, कि एक व्यक्ति के लिए 444 ग्राम दूध भारत में उपलब्ध है, 3 रुपया प्रति लीटर याद रखिएगा। यहाँ पे सब न्यूज निकल कर आ रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आंकड़े हैं 2023-24 में मिल्क का प्रोडक्शन जो है कितना बढ़ गया था, 220 यहाँ पे हजार लीटर लिखा हुआ है, तो 2.20 लाख लीटर हो जाएगा। धीरे धीरे देख सकते हैं आप लोग, धीरे धीरे जो है ये जो बढ़ रहा है नंबर, ठीक है। तो पहले बोला जा रहा था कि 1 रुपया जो है प्रोत्साहन से दिया गया था, फिर 2 रुपया दिया गया था, पूरा आर्टिकल पढ़िएगा तो, और फिर 3 रुपया दिया गया, तो जो है और ज़्यादा मिल्क बैंक बढ़ चुका था। ये सब कुछ पूरा मैटर है, आप लोग देख सकते हैं, ये सब भी आप लोग रीड कर सकते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, डबल टिक लगा लीजिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत राज्य के किस जिले को शीर्ष स्थान दिया गया है, यानी कि टॉप जो है डिस्ट्रिक्ट झारखंड में कौन सा है जो कि एनीमिया जो मुक्त कार्यक्रम था उसमें जो है से काफी अच्छा योगदान दिया है, एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं, रांची, गोड्डा, सिमडेगा या फिर पश्चिमी सिंहभूम। आंसर इसका डी है, पश्चिमी सिंहभूम जो है से टॉप नंबर पे है, ठीक है, पूरा डिस्ट्रिक्ट 24 डिस्ट्रिक्ट में नंबर वन पे पश्चिमी सिंहभूम है, रांची को ये पछाड़ दिया है एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एनीमिया मुक्त अगर भारत कार्यक्रम आपसे पूछेगा तो टॉप डिस्ट्रिक्ट है पश्चिमी सिंहभूम, सेकेंड स्थान पर जो है गोड्डा है और थर्ड स्थान पर जैसे सिमडेगा है। रांची का स्थान जो है 5वां था, पूर्वी सिंहभूम का 12वां था और सरायकेला का 16वां था। ये मैं टॉप जो है 5 देख रहा था, तो न्यूज़पेपर में नहीं आया था, तो हो सकता है पीडीएफ में मैं आपको टॉप 5 जो है प्रोवाइड करा दूं अगर सर्च करने के बाद मुझे मिलेगा तो सब बाद में आपको मिलेगा। फॉर द टाइमिंग टॉप 3 याद रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम टॉप है, टॉप पे है, फिर गोड्डा है, उसके बाद सिमडेगा, रांची का स्थान 5वां है, कैपिटल सिटी है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एनीमिया मुक्त भारत में जो रांची है उसका परफॉर्मेंस 5वां स्थान पर रहा था और पश्चिमी सिंहभूम टॉप किया था, तो याद रखिएगा कुल जो है इसको 82 अंक जो है दिया गया था और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये जो है दूसरी बार है, दूसरा बार जो है एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में जो है एनीमिया मुक्त भारत में ये जो है टॉप किया है।
ठीक है, यूनिसेफ न्यूज़ में है तो देख लीजिएगा। 11 दिसंबर 1946 को जैसे इसको इस्टेब्लिश किया गया था, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 25वां इसका आंसर हो गया। 25वां डिस्ट्रिक्ट जो है न्यूज में है, तो आइए थोड़ा इसको डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जिले का स्थापना 16 जनवरी 1990 को किया गया था, उसमें पूर्वी सिंहभूम को जो है अभी अलग किया गया था ना, याद रखिएगा 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम दोनों का जो है स्थापना दिवस है। एरिया इसका 7,224 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि इसको झारखंड का सबसे बड़ा एरिया वाला जिला बनाता है। सबसे बड़ा जो है जिला पॉपुलेशन वाइज पूछेगा तो रांची लगाइएगा। सब डिवीजन की संख्या यहाँ पे 3 है, ब्लॉक की संख्या 18 है, विलेज यहाँ पे 1,687 है, म्यूनसिपलिटी यहाँ पे 2 है। नावमुंडी आप लोग नाम सुने होंगे, एक कोल माइंस है जो कि वेस्ट सिंहभूम पड़ता है। और सारंडा फॉरेस्ट के बारे में देख लीजिएगा, ये जो सारंडा फॉरेस्ट है ये भी जो है वेस्ट सिंहभूम में ही पड़ता है, अधिकतर पार्ट इसका वहीं पड़ता है। 2010 में देखिएगा तो जो है एमबी शाह कमेटी जो है इसको बनाया गया था वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है, सारंडा में, जो एक तरह से बोल सकते हैं कि अवैध तरीके से जो है आयरन और मैग्नीज ओर के खनन हो रहा था, उसके लिए कमेटी बनाया गया था। 2013 में जो है इस कमेटी ने रिपोर्ट को सौंपा था, ठीक है, ये सब याद रख सकते हैं। चिरिया आयरन ओर माइन तो पता होगा, ये भी वेस्ट सिंहभूम में पूछता है आपसे। हाईएस्ट एक्सेस झारखंड में पूछेगा कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वह वेस्ट सिंहभूम ही है। लार्जेस्ट एरिया वाइज सबसे बड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट यही है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी यही है, और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भी आपसे पूछेगा कहाँ पे है, तो वेस्ट सिंहभूम में ही है। हिरनी जलप्रपात यहाँ पे मिलेगा रामगढ़ा रिवर पर वेस्ट सिंहभूम में, और इसको चाईबासा एक जगह है वेस्ट सिंहभूम में, तो उसमें देखिए लाइफलाइन ऑफ चाईबासा आपसे पूछेगा, तो रोरो रिवर जो है लगा लीजिएगा। रोरो रिवर पर तट के पर जो है एक बार हो विद्रोह हुआ था 1820-21 में, थोड़ा बहुत आपको याद हो तो। और बाकी एक खंडित शिवलिंग वाला महादेव मंदिर भी पश्चिम सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। तो इतना सा चीज डिटेल में डिस्कस कर दिया, आंसर इसका हो गया पश्चिमी सिंहभूम। रीड आप लोग कर सकते हैं, 82 अंक दिया गया था पश्चिमी सिंहभूम को, रांची 5th स्थान पे था। कोयम्बटूर में 7 से 10 नवंबर तक चले राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में झारखंड ने कुल कितने मेडल जीते हैं, 13, 20, 15 या फिर 11। सही आंसर इसका डी है, कुल जो है झारखंड के द्वारा 11 मेडल जीता गया था। इसका मैं मेडल टैली जो है सर्च कर रहा था कि ओवरऑल रैंकिंग में झारखंड का क्या रैंक था, बट मुझे अभी नहीं मिल पाया है, तो इसको मैं और सर्च करूंगा डीपली, और अगर मिल जाएगा तो आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फॉर द टाइमिंग आप लोग इतना याद रख सकते हैं कि टोटल जो है इस इवेंट में झारखंड के द्वारा 11 मेडल जीता गया था, 4 गोल्ड था, गोल्ड की संख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और टोटल मेडल, ठीक ना, इतना याद रखिएगा कि टोटल कितना है वो आपसे पूछते हैं, और गोल्ड की संख्या पूछते हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, एग्जामिनर कमेंट खराब हुआ तभी दे सकता है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। स्वर्ण पदक सारा यहाँ पे चारों का चारों डाला हुआ है। एक पर्सन है साकेत मींज, तो यहाँ रांची के पर्सन है, 300 मीटर में धावक है, ये जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। एक आशा किरण बारला है, वहाँ आपसे पूछा था ना कि आशा किरण बारला कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये एथलीट है, ठीक है, दौड़ से यानी कि धावक है, और ये गुमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये भी 800 मीटर में जो है गोल्ड मेडल इस वाले इवेंट में जीते हैं। सविता मुर्मू जामताड़ा की हैं, जेवलिन थ्रो में जो है ये गोल्ड मेडल जीते हैं, और एक विशाल कुमार है रांची के, वो ट्रिपल जंप में जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इतना सारा चारों के चारों प्लेयर के बारे में डिटेल में याद रखिएगा, डायरेक्ट जो है आपसे क्वेश्चन दे देगा कि जो है किरण बारला का संबंध किस खेल से है, या फिर किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गोल्ड का संख्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग मानिएगा। जो राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ कोयम्बटूर, वह तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, कैपिटल इसका चेन्नई है, आंसर इसका डी 11 होगा। ओके, इसको डिटेल में और सर्च करूंगा, कुछ मिल जाएगा तो आपको मेडल टैली प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि ओवरऑल रैंकिंग कितना था। रीड आप लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और मिल जाता है तो चलिए अच्छा बात है, जो कभी नहीं हुआ था वह हो जाएगा। झारखंड का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया है, देखिए ज्यादा चांस है, अब मुझे लगता है 95% चांस है कि इसको दे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी जो है इसको एक्सपेक्टेड डाला गया है, क्योंकि इसका सारा मंजूरी मिल चुका है, लेकिन जब तक आपको मिल नहीं जाता है तब तक आप लोग बोल नहीं सकते हैं कि जो है रामसर साइट इसको घोषित कर किया जा चुका है, तो अभी इसको एक्सपेक्टेड ही रखेगा, इसलिए मैं वीडियो में भी डाल दिया हूँ एक्सपेक्टेड। तो झारखंड का पहला रामसर साइट किसे जो है घोषित किया गया है, बिरसा मृग विहार, तो चाची झील है, उसके बाद उद्धवा पक्षी विहार है, या फिर बसंत राय तालाब है, तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, तो आंसर इसका सी है, उद्धवा पक्षी विहार। उद्धवा पक्षी विहार आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है, एसटी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा, तो डिटेल में आज इसको डिस्कस मैं कर देने वाला हूं। देख लीजिए, तो झारखंड का पहला जो रामसर साइट है वो उद्धवा पक्षी विहार को जो है घोषित किया गया है, और ये जो है साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कभी भी आपसे पूछेगा कि जो उद्धवा पक्षी विहार है वह कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जो है साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है, और यह 565 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है,
ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, 565 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह दो लेक के बीच में, जिसका नाम है पतौरा या पटौरा भी कहीं मिल जाएगा, तो पतौरा लेक के बीच में है और बरहले लेक के बीच में है। पतौरा लेक का जो एरिया है वह 155 हेक्टेयर है और बरहले लेक का जो एरिया है वह 410 हेक्टेयर है। तो डायरेक्ट जो है इसका स्टेटमेंट जो है इसे डालकर जेपीसी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो डेटा आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और यह उधवा पक्षी जो अभयारण्य है उसकी स्थापना 1991 में किया गया था और यह झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य है, एकमात्र है, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बोला जाता है कि झारखंड में एक नेशनल पार्क है, 11 जो है से अभयारण्य है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोग बोल सकते हैं। भैया कि रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, भाई ये रामसर कन्वेंशन आखिर होता क्या है और फिर रामसर साइट क्या होता है? तो रामसर साइट अगर किसी स्थल को घोषित किया जाता है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि हम लोग जो वेटलैंड है यानी कि जो नम भूमि है उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि नम भूमि को हम लोग अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो जो फ्लोरा और फाउना है जो कि कोई पार्टिकुलर हैबिटेट में पाया जाता है वो जो ऐसे खत्म हो सकता है। जैसे कोई एरिया से वाटर खत्म हो गया तो आप लोग समझिए कि क्या क्या खत्म हो सकता है, तो वहाँ के आसपास जो जीव जंतु रहते होंगे वो सारे मर जाएंगे या फिर कहीं और पलायन कर जाएंगे, उसके आसपास जो पेड़ पौधे रहते होंगे वे सारे सूख जाएंगे ना, तो फ्लोरा और फौना जो है बर्बाद हो जाता है। तो अगर किसी को रामसर साइट, जो रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो उधवा सेंचुरी को इसी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा आने वाला दिन में। तो रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था, ईरान में यह प्लेस है, बात ध्यान रख सकते हैं। भारत में वर्तमान में जो है 75 जो है रामसर साइट्स हैं और वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व नम भूमि दिवस मनाते हैं हम लोग 2 फरवरी को। आंसर इसका सही है। बिरसा मिर्ग विहार कहाँ पे है? तो बिरसा मिर्ग विहार जो है रांची में था, है नहीं, रांची में था 2007 से पहले, अब यह खूंटी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि 12 सितंबर 2007 को खूंटी डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था, तो बिरसा मिर्ग विहार जो है खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है, न कि रांची में। तो चाची झील देख लीजिएगा, धनबाद में है। बसंतराय तालाब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। समय ऑप्शन है, अपने से डाला हूँ, ऐसा डाला था ना ताकि वो जो है एरिया थोड़ा बड़ा हो, तो बसंतराय तालाब देखिएगा तो छोटा मोटा नहीं है, 50 एकड़ में जैसे फैला हुआ तालाब था, तो आप लोग जैसे अगर थोड़ा बहुत किसी को पता होगा तो ये कंफ्यूज कर सकता है, जिसको पता नहीं होगा उसको भी कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो 50 एकड़ में जैसे तालाब फैला हुआ था, गोडा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सारा लोकेशन देख लीजिएगा, सारा प्लेस जो है इंपॉर्टेंट है, सब जो है एग्जाम में आ चुका है। उधवा बर्ड सेंचुरी साहिबगंज में है, तो साहिबगंज को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। 17 मई 1983 को जो है एस्टेब्लिश किया गया था इस डिस्ट्रिक्ट को, 2063 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, सब डिवीजन यहाँ पे 2 है यानी कि अनुमंडल और ब्लॉक यानी कि प्रखंड 9 है, अर्बन लोकल बॉडीज यहाँ पे 3 है, ब्रिज की संख्या 1349 है। यहाँ पे देखिएगा तो जो प्लेस है राजमहल हिल जो कि साहिबगंज में है, उसको सौरिया पहाड़ी और माल पहाड़ी जो जनजाति है उसका निवास स्थान माना जाता है, और आदिम जनजाति में झारखंड में सबसे ज्यादा जो है माल पहाड़िया ही पाया जाता है। यहाँ पे ब्लैक सॉल पाया जाता है राजमहल हिल्स में, बात याद रखिएगा। और फोसिल पार्क आपसे पूछेगा कहाँ पे है, तो साहिबगंज में है, और मोतीझरा वाटरफॉल भी जो है अजय नदी पर साहिबगंज में ही है। एकमात्र यह ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से होकर गंगा नदी गुजरती है, लगभग इसका लेंथ देखिएगा तो 80 किलोमीटर झारखंड में है गंगा नदी का, कहीं कहीं न्यूज़पेपर में 80 से लेकर आपको 83 तक भी मिल जाएगा किलोमीटर, लेकिन अप्रोक्स डेटा यह देखिएगा 80 किलोमीटर के आसपास गंगा नदी का लेंथ है झारखंड में। एकमात्र रिवर है सॉरी एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से होकर गंगा नदी गुजरती है झारखंड से। गुमानी रिवर है, ये तो ओरिजिनेट करती है राजमहल हिल्स से, याद रखिएगा। और जो राजमहल हिल्स के बारे में बोला जाता है कि यह कब का है, तो यह जुरासिक एज का है। यहाँ पे देखिए कहीं कहीं बोला जाता है कि अगर न्यूज़पेपर में आप लोग देखिएगा उठाकर, तो बोला जाता है कि साहिबगंज में ऐसे सबसे ज़्यादा बारिश होता है, जैसे कि 2023 में सबसे ज़्यादा बारिश अभी साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, लेकिन कहीं कहीं आपको न्यूज़पेपर में बुक में देखिएगा तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है कि जो है हजारीबाग में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। इसको गेटवे ऑफ बंगाल बोला जाता है, एक प्लेस है तेलियागढ़ी का किला, तो तेलियागढ़ी के किला को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है जो कि साहिबगंज में ही है। और ये देखिएगा भगवा कुआं है, देख लीजिएगा 1915 के आसपास जो है से बनाया गया था, एडवर्ड जो 7 थे उनके याद में, तो भगवा कुआं पूछेगा कहाँ पे है, तो ये साहिबगंज में लोकेटेड है। तो इतना सारा चीज़ साहिबगंज के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है झारखंड वाइल्डलाइफ इंपॉर्टेंट नहीं, तो चंदन डैम के बारे में याद देखिएगा, चंदन डैम पर जो है विवाद चलते रहता है बिहार और झारखंड के बीच में, तो झारखंड कभी कभी आरोप लगाता है कि चंदन डैम से हम लोग को पानी नहीं दे रहे हैं, और अभी मैटर इसीलिए जो है लाइमलाइट में आया है क्योंकि चंदन डैम में जैसे काफ़ी ज़्यादा गाद जो है जम गया है, गाद समझते हैं जैसे कि मान लेते हैं कि डैम का कैपेसिटी इस तरह से है, तो डैम में क्या हुआ कि मिट्टी आया, मिट्टी जैसे जमते गया यहाँ तक पहुँच गया, तो पानी आप लोग का नीचे रहेगा, नीचे पानी बिल्कुल नहीं रहेगा, पानी यहीं तक रहेगा, तो इसका कैपेसिटी देखिएगा तो 75% कैपेसिटी इसका खत्म हो गया है, मात्र 25% ही जो है पानी है, बाकी गाद भर गया, तो उसी को सफाई को लेकर जो है हुहल्ला मच रहा है। और इसे देखिएगा चंदन डैम से गोडा डिस्ट्रिक्ट को पानी मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देवघर एम्स की स्थापना आप लोग याद रख सकते हैं, 2019 में किया गया था, ये न्यूज में था तो मैं डिस्कस कर दिया।
बाकी 2019 में कुछ चीज़ मैं बोलता हूँ, ध्यान सुनिए, हो सकता है 30 मिनट से ज़्यादा हो जाए वीडियो। 2019 में तीन जो है से मेडिकल जो है से आप लोग बोल सकते हैं कॉलेज की स्थापना किया गया था। एक तो आप लोग नीलांबर पीताम्बर याद रखिएगा जो कि मेदिनीनगर में है, उसके बाद शेख भिखारी है मेडिकल कॉलेज, ये आपको होगा हजारीबाग में, इसको आप लोग मेन रख लीजिए, मेदिनीनगर जो है से आपको पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। और उसके बाद है एक फूलो झानो मेडिकल कॉलेज है, ये दुमका में है। तीनों के तीनों जैसे 2019 में जैसे इसको मेडिकल कॉलेज बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और एम्स की स्थापना भी हुआ था देवघर एम्स की। झारखंड के डीजीपी वर्तमान में अजय कुमार सिंह हैं, ये बात याद रखिएगा। मेडिसिन बैंक की शुरुआत अभी रिम्स में हुआ है। मेडिसिन बैंक आखिर करेगा क्या, समझिएगा थोड़ा सा। जैसे कि मान लेते हैं कि कहीं से आप लोग जैसे दवा लाते हैं, ठीक है, और दवा लाते हैं और आप लोग जो है सारा उसको खत्म नहीं कर पाते हैं किसी तरह से, तो दवा आपके पास बच जाता है, फिर वो रखा जाता है और रखे रखे खराब हो जाता है। तो जो बैंक बना है उससे क्या होगा, तो अगर कोई पेशेंट जो है दवा ले चुका है और वो दवा उसको यूज कर लिया और उसका रोग जो है ठीक हो गया, तो जो बचा हुआ जो दवा है वो मेडिसिन बैंक में वह जमा कर दिया जाएगा, जिससे जो है जरूरतमंद लोगों को जो है वह दवा जो है प्रोवाइड कराया जा सकेगा। तो ये जो है मेडिसिन बैंक काम करने वाला है इस तरह से। ये जो रिम्स देख रहे हैं उसका स्थापना 1960 को किया गया था, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका नाम है। झारखंड का सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल है और सबसे पुराना भी। वर्ल्ड स्टील के वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं टीवी नरेंद्र, या देखिएगा ये वर्तमान में सीईओ और एमडी हैं टाटा स्टील के ना, तो उनको उनका जो है वर्ल्ड स्टील का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। झारखंड के एक जाने माने अंपायर थे जिनका नाम है दीपक सेठी, थे बोल रहा हूँ क्योंकि यह अभी रिप हो गए, यानी कि रेस्ट इन पीस चले गए हैं, यानी कि जैसे इनका देहांत हो गया। तो यह देखिएगा दीपक सेठी पूछेगा तो यह अंपायर थे, झारखंड के हैं। चलिए कुछ देखते हैं नेशनल और इंटरनेशनल वाले इंपोर्टेंट न्यूज में क्या है। तो आईटीबीपी का स्थापना दिवस जो है 1962 में हुआ था और इसका 62वां स्थापना दिवस जो है अभी मनाया गया, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 24 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है इसका स्थापना दिवस, ठीक है, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे भी है। आईपीसी की धारा जो है 377, इसको डाला मैं भूल गया। देखिए आईपीसी की धारा जो 377 क्या बोलता है, तो इसमें आप लोग सुने होंगे, एक तो एडल्ट्री का केस सुने होंगे अगर फॉलो करते होंगे न्यूज़पेपर को अच्छे से। तो एडल्ट्री में क्या होता है कि जो अगर कोई डिस्कस किया जाए फिर छोड़ दिया जाए, कर ही देता हूँ, आप लोग सोचिएगा क्यों नहीं डिस्कस किया गया। तो जैसे कि मान लेते हैं कोई मेल है और कोई फीमेल पार्टनर है, दोनों पार्टनर है, ठीक है, तो अगर ये फीमेल किसी अनदर मेल के साथ जैसे संबंध बनाती है अपना मर्जी से, तो मेल इसमें कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो केस आया था नवजोत सिंह जोहर का केस जो कि 2018 का था, तो उसमें देखिएगा तो जो आर्टिकल 377 है उसमें समलैंगिकता के बारे में मेंशन है, तो उसका जो है कुछ प्रोविजन को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, जिसके चलते जो है स्त्री स्त्री भी शादी कर सकते हैं, पुरुष पुरुष भी शादी कर सकते हैं, स्त्री पुरुष तो कर ही सकते हैं, तो इस तरह का कुछ प्रोविजन आर्टिकल 377 में था। तो नवजोत सिंह जोहर का जो केस था 2018 का, याद रखिएगा, ये जो है डिक्रिमिनलाइज किया था, ठीक है, याद रखिएगा एडल्ट्री को। बाकी भारत में जो है पहली जो है बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, टोटल 508 किलोमीटर डिस्टेंस से रहने वाला है। तो पहला पूछेगा कि बुलेट ट्रेन किस प्लेस के बीच में चलेगा, तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगा। और इसमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा रहा है इंडिया को, वह जापान से किया जा रहा है। आइसलैंड के बारे में याद देखिएगा, आइसलैंड की राजधानी जो है रिकजाविक है, मुद्रा यहाँ पे जो है आइसलैंडी जो है कोरोना चलता है, ठीक है, याद देखिएगा। आइसलैंड में अभी भूकंप आया था जिसके चलते जैसे ये न्यूज में है, तो इसका कैपिटल और करेंसी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। IPEF इसका बैठक जो है अभी वर्तमान में जो है USA में हुआ है, इसको याद रखिएगा। और अभी जो वर्तमान में जो उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं भारत के पीयूष गोयल, वो जो है यहाँ पे भाग लेने जाएंगे IPEF की बैठक में। गठन इसको 2022 में किया गया था, वर्तमान में जो है कुल देश इसमें 14 है और वैश्विक GDP में जो है 40% इसका योगदान है। बाकी देखते हैं कि अलग अलग जो देश के साथ व्यापार होता है तो उसमें व्यापार करने में या फिर जो गुड्स और सर्विसेज होता है उसमें जो है इस देश का अकेले जो है 28% जो है योगदान है। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको जैसे देश जो है देखने को मिलेंगे, जैसे इंडिया है, उसके बाद USA है, जापान भी है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वैश्विक GDP का 40% योगदान तो होना मांगता है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका तो सबसे बड़ा जो है अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है। अभी एक QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी किया गया था, उसमें याद देखिएगा भारत का जो टॉप इंस्टीट्यूट है वो है IIT बॉम्बे। IIT दिल्ली दूसरे स्थान पर था और IIT खड़गपुर को 5वां स्थान दिया गया था, ठीक है, और एशिया में देखिएगा तो पूरा IIT खड़गपुर को 59वां स्थान दिया गया था। ये सारा जो है न्यूज़पेपर में डायरेक्ट आ रहा था, तो आप लोग याद रखिएगा। यह खड़गपुर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत का पहला IIT है, देख लीजिएगा, भारत का पहला IIT है, 1951 में जैसे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। खड़गपुर प्लेस है पश्चिम बंगाल में, पहले यह फेमस था विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म के लिए। अभी जैसे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे है जरा बताइएगा।
आईआईटी मद्रास के कैंपस जैसे जंजीबार में खोला जाएगा, यहाँ पर प्लेस आप लोग याद रख सकते हैं। ओडीआई क्रिकेट में टाइम आउट के चलते पहले बार जो है डिसमिस होने वाले बल्लेबाज हैं, देख लीजिएगा, एंजेलो मैथ्यू श्रीलंका के यह पर्सन हैं। भारतीय वायुसेना का पहला जो फाइटर जेट कौन सा था, तो मिग 21 किस देश से हम लोग खरीदते हैं, तो रशिया से खरीदा जाता है, ठीक है। बाकी S-400 डिफेंस सिस्टम भी हम लोग खरीदते हैं यहीं से, ठीक है, याद रखिएगा, रशिया से ही S-400 डिफेंस सिस्टम हम लोग लिए हैं। राफेल विमान फ्रांस से हम लोग लिए हैं, ये सब कुछ कुछ याद रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है। पीपीएफ का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। अकाउंटिंग जो आरबीआई का लेखा वर्ष होता है वह होता है अप्रैल से मार्च तक। पहले देखिए 2020 से पहले जो ऐसे है जून से जुलाई तक चलता था, जून से चलता था, जुलाई में खत्म होता था, ठीक है, जुलाई जून जून जुलाई जुलाई चलता था, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी हो गया, इसको बाद में सही कर दूंगा। तो देख लीजिएगा जो पहले चलता था ये जुलाई से होगा, शायद जुलाई से जून तक चलता था इसका लेखा वर्ष, एक बार इसको मैं कंफर्म करूंगा। तो लेखा वर्ष जो था आरबीआई का वह जुलाई से जून तक चलता था, लेकिन बाद में 2020 में जो है इसको अप्रैल से मार्च कर दिया गया था, ये बात याद रखिएगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका स्थापना 1935 में किया गया था, आपको पता होगा, नेशनलाइजेशन इसका 1949 में किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में इसके जो है गवर्नर आरबीआई के शक्तिकांत दास हैं, पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, और सबसे पहले जो गवर्नर थे वो थे सर ऑसब्रोन स्मिथ। आइए देखते हैं कुछ क्या है न्यूज़पेपर से आज, ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ चंदन डैम के बारे में, तो आप लोग थोड़ा रीड कर लीजिएगा। बेगूसराय देखिएगा, देश का अभी वर्तमान जो है शनिवार को जब कैलकुलेट किया गया था तो देश का सबसे जो है प्रदूषित शहर बन चुका था, और ये जो है दिल्ली को ही पछाड़ दिया। तो देखिएगा तो कैसे जो है कैलकुलेट किया जाता है कि सबसे जो है प्रदूषित शहर है, तो एक होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यूज। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू में देख लीजिएगा क्या क्या होता है लेवल, और कैसे जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर किसी का जो है नंबर बोलिए 0 से 50 तक है तो वह गुड है, 51 से 100 तक है तो मॉडरेट है, एवरेज है, 100 से 150 है तो अनहेल्दी होता है, ठीक है, ठीक है, सेंसिटिव ग्रुप के लिए, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो उन लोग के लिए 100 से लेकर अगर 150 है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो उनको जो है दिक्कत हो सकता है। अब 151 से 200 होते हैं तो अनहेल्दी हो जाता है, उसके बाद 200 से 300 का ये वेरी अनहेल्दी है, और 300 से अगर 500 यह इंडिकेटर हो जाता है तो ये हजारस होता है, काफ़ी ज़्यादा यह नुकसानदेह होता है। तो सब कुछ याद रखिएगा, 0 से लेकर जो है 500 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में नंबर होता है, जिसके बेस पर जो है यह कैलकुलेट किया जाता है कि कौन कौन ऐसे हेल्थ को कितना कंसर्न कर सकता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, देख लीजिएगा, बेगूसराय प्लेस है बिहार में। बाकी ये जो है झारखंड के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे, छठे मुख्यमंत्री, वो अभी उड़ीसा के जो है 26वें गवर्नर बनाए गए थे, मैं डिस्कस किया था पहले, तो ये रांची पहले बार विजिट किए हैं, तो आप लोग पिक्चर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना काफी ज्यादा है, झारखंड जीके में भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, आपसे पहले भी डिस्कस किया था, मौलाना आजाद, तो इनका जो है 135वां जो है जन्मदिवस अभी मनाया गया था, 11 नवंबर को जो है इनका जन्मदिवस मनाया गया था, और 2008 से जो हम लोग मना रहे हैं, पहली बार मनाया गया था, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और फिर 53rd जो कांग्रेस का सेशन हुआ था रामगढ़ 1940 में, यही अध्यक्षता किए थे। बाकी 1918 में आपको पता है 14 से लेकर 18 तक क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ये जो है डेट बस याद रखिएगा, यहाँ पे न्यूज में आता रहता है कि आज ही समाप्त हुआ, तो डेट आपसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा कब से कब तक चला था, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में याद रखिएगा। बाकी अनिल काकोदकर, इनको याद रखिएगा, ये जो 1998 में जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान इनका था, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे थोड़ा समय अगर बात करूँ तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी बने थे, इनको पद्म पुरस्कार में पद्मश्री भी दिया गया, पद्मभूषण दिया, पद्म भूषण तीनों के तीनों इनको मिल चुका है, ठीक है, एक और दिया जाना चाहिए था, ठीक है, भारत रत्न भी। तो चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ बात करते हैं। तो 1998 में भारत को जो है परमाणु परीक्षण किया गया था, तो भारत जो है एक न्यूक्लियर संपन्न देश है, विश्व में कुल जो है 9 जो है न्यूक्लियर संपन्न देश हैं। उसके लिए मैं आपको पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका था कि जो परमानेंट 5 मेंबर्स है कौन कौन, यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, यूके, यूएस, रूस, चीन और फ्रांस। उसके अलावा एक इंडिया है, उसके बाद इजराइल है, उसके बाद इंडिया इजराइल, उसके बाद पाकिस्तान है, और उसके बाद नॉर्थ कोरिया याद रखिएगा, ठीक है, नॉर्थ कोरिया भी दबता नहीं है, ठीक है। तो इंडिया याद रखिएगा, इंडिया का पड़ोसी पाकिस्तान भी है, क्योंकि पाकिस्तान भी डरता नहीं है, बोलता है कि न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, तो इंडिया बोलता है कि हम क्या हाथ में चूड़ियाँ पहन कर रखे हैं। और उसके बाद इजराइल भी है, ठीक है, और एक नॉर्थ कोरिया को भी याद रखिएगा। तो इधर 5 हो गया परमानेंट 5 और 4, तो कुल 9 ऐसे। अब देखते हैं सेक्शन नंबर सेकंड, सेक्शन 2 में क्या है। तो पहला आता है मैपेटिस क्वेश्चन, तो जामताड़ा जिले की सीमा किसके साथ लगती है,
देवघर, धनबाद, गिरिडीह या फिर इनमें से सभी, क्या ऐसे आंसर होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। तो जामताड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वह संथाल परगना का एक डिस्ट्रिक्ट है। इसके साथ जो है से धनबाद, गिरिडीह, देवघर और दुमका सबके साथ जो है से सीमा लगता है। तो धनबाद था, गिरिडीह था और देवघर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, तो सब हो गया। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। टोटल चार है। दुमका भी इसके साथ सीमा लगता है, दुमका का भी सीमा इसके साथ लगता है। दुमका देखिएगा तो हेड क्वार्टर संथाल परगना का ना, याद रखिएगा। और ये सबसे बड़ा एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट भी है संथाल परगना में, और हेड क्वार्टर भी है। यह क्वेश्चन जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया था कि रांची स्थित जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंटेन एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी है, जिसको NIFFT बोला जाता है, कि स्थापना किसके सहयोग से किया गया था। तो यह UNDP और यूनेस्को के सहयोग से किया गया था। UNDP पता होगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, और यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्हीं के सहयोग से जैसे इसका स्थापना किया गया था। रांची में इसका लोकेशन है। 1966 में इसको फाउंड किया गया था, और इसको जो रजिस्टर किया गया था वह किया गया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। इसको देख लीजिएगा, ये जेपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह से क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है जेपीसी में। सिल्वानुस डोडुंग किस खेल से संबंधित है? ठीक है, आपको आपसे ये क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। लास्ट आपसे पूछा गया था कि झारखंड का पहला वाईफाई गांव किस जिले में स्थित है, जिसका सही आंसर बोकारो है। तो बोकारो में एक गांव है जिसका नाम है गर्री गांव, जो कि पड़ता है ब्लॉक कौन सा था, कसमार। तो कसमार ब्लॉक में यह पड़ता है गर्री गांव, तो यह बोकारो जिले में है। तो ये जो है पहला जो है वाईफाई गांव है झारखंड का। ठीक है, याद रखिएगा। और जब भी वाईफाई के बारे में बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया जो है न्यूज में आ जाता है। तो डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को जो है शुरू किया गया था, याद रखिएगा। और उसमें कुल जो है 9 पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया मिशन के। ठीक है, यह कार्यक्रम भी आप लोग बोल सकते हैं। तो बोकारो में झारखंड का पहला जो है वाईफाई गांव है, जिसका नाम है गर्री गांव। ये जैसे कसमार ब्लॉक में पड़ता है बोकारो में। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही। हो सकता है वीडियो जैसे 30 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा, तो उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। क्लास में काफ़ी सारा चीज़ जैसे डिस्कस करना था। मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो को आप लोग लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो। अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर कहना ही नहीं है। वंदे भारतम, जय हिंद।